हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय टेक में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ विजय पिंगोले। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर बता दूँ, ग्रेजुएशन का यहाँ पर बीए लास्ट ईयर का यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको पता ही होगा कि रिजल्ट आ चुका है। लेकिन अभी दो दिन से यहाँ पर साइड बहुत ही प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन गाइस अभी यहाँ पर साइड सही से चलने लग गई है। आराम से आप यहाँ पर रिजल्ट निकाल सकते। तो रिजल्ट निकालने का पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ, रिजल्ट निकाल के भी आपको लाइव यहाँ पर बताऊँगा। तो दोस्तों, उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए मैं आपको बता दूँ, आपको किसी ब्राउज़र को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद आपको जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, मैंने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया। इसके बाद में आप यहाँ पर यूनिराज रिजल्ट 2021 आपको सर्च करना होगा। यूनिराज रिजल्ट 2021 जैसे सर्च करते हो, आपके सामने यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट आ जाती है, जिसमें आपको रिजल्ट वाली वेबसाइट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। रिजल्ट यूनिराज यहाँ पर .ag.in यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यूनिराज रिजल्ट आपको यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। जैसे इस पर क्लिक करते हो, आपके सामने इसका पेज ओपन हो जाएगा, यही जहाँ से रिजल्ट यहाँ पर निकालते हैं। तो दोस्तों, आपको जैसे यहाँ पर क्लिक करते हो, आपके सामने रिजल्ट निकालने का पेज ओपन हो जाता है। आपको एक बार ट्राई करना नहीं है, अगर एक बार में एरर आ जाए तो सेकंड बार आपको ट्राई कर लेना है, आपका निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर आते हैं, हमारे पास में यहाँ पर देख सकते हो बीए पार्ट यहाँ पर थर्ड ईयर का यहाँ पर रिजल्ट यहाँ पर दिया गया है। बीए थर्ड ईयर 2021 का यहाँ पर सेकंड पर आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों, इस पर क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करोगे गाइस, हो सकता है कि आपका यहाँ पर एरर आ जाए, लेकिन आपको बार बार ट्राई करना है। मैंने भी बार बार ट्राई किया, एक बार में नहीं बना है दोस्तों। तो आपको भी बार बार यहाँ पर ट्राई करना होगा, एक से दो बार, दो से तीन चार बार आपको ट्राई करते रहना है। आपके पास में जैसे यहाँ पर देख लीजिए, मैं यहाँ पर ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको रोल नंबर डालना होगा, रोल नंबर डालने का ऑप्शन आपको आ चुका है यहाँ पर। अब की बार आपका नाम से नहीं निकल रहा है यहाँ पर रोल नंबर से, और अपनी जन्मतिथि से यहाँ पर रिजल्ट निकल रहा है। तो दोस्तों, रोल नंबर यहाँ पर देख सकते हो, रोल नंबर जो भी है अपना एडमिट कार्ड में से देख सकते हो। रोल नंबर डालने के बाद में आपको यहाँ पर जन्मतिथि भी यहाँ पर डालनी होगी। तो दोस्तों, जन्मतिथि भी यहाँ पर डाल देनी होगी, इनबॉक्स में आपको फिल कर देना होगा। जैसा कि मैं यहाँ पर फिल कर लेता हूँ, उसके बाद में आपको आगे बताता हूँ। तो गाइस, जैसे कि यहाँ पर मैंने सब कुछ यहाँ पर फिल कर लिया, इसके बाद में आपको यहाँ पर रिजल्ट पर क्लिक करना होगा। रिजल्ट चेक पर आपको जैसे क्लिक करते हो, आपका रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा। वेट करते हैं, थोड़ा सा साइड यहाँ पर बिजी चल रही है, इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन ओपन हो जाएगा। तो गाइस, जैसा कि यहाँ पर रिजल्ट भी आ चुका है, यहाँ पर फाइनली आप यहाँ पर देख सकते हो बी पार्ट थर्ड ईयर का यहाँ पर रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा होगा। रिजल्ट में आप नीचे सब कुछ आप डाटा देख सकते हो, इसमें रिजल्ट आपका क्या आया है, क्या रहा आपका रिजल्ट। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कैंडिडेट का नाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, फादर्स नेम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, मदर्स नेम यहाँ पर, फादर्स नेम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ में अपना रोल नंबर चेक कर लीजिए, इसके साथ में आपका सब्जेक्ट यहाँ पर देख सकते हो, हिस्ट्री सोशोलॉजी ज्योग्राफी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। टोटल नंबर आपको यहाँ पर 362 नंबर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तीनों ईयर के आपको नंबर आपको यहाँ पर देख सकते हो, 1025 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। टोटल मार्क्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है, अलग अलग भी देखना चाहते हो तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का यहाँ पर देख सकते हो। साथ में टोटल मार्क्स यहाँ पर देख सकते हो, अपना रिजल्ट यहाँ पर निकाल सकते हो। साथ में अपनी परसेंटेज निकालनी है तो आप यहाँ पर ग्रेजुएशन की टोटल यहाँ पर नंबर से आप अपनी परसेंटेज निकाल सकते हो। तो गाइस, इस तरीके से आपको ये निकालना होगा। इसके साथ में प्रिंट का ऑप्शन दिया जा रहा है, तो प्रिंट पर जैसे क्लिक करोगे आपके पास में प्रिंट कर लीजिए, या फिर पीडीएफ में आप सेव कर सकते हो। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो आप अपना सेव भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर पीडीएफ में सेव कर लिया। इसके बाद में आपको क्या करना, आपको कुछ नहीं करना, आपका सेव हो चुका है, या फिर मोबाइल से कर रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो गाइस, फिलहाल ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, रिजल्ट निकालने का तरीका आपको कैसा लगा, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स कमेंट करिए, साथ में वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।